कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को मानहानि के केस में गुजरात की सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम पर टिप्पणी की थी। वहीं मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कोर्ट का फैसला आने पर राहुल गांधी को जमानत मिली है। कांग्रेस और राहुल गांधी से बीजेपी डरी हुई है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार का भ्रष्टाचार सामने लाया है, वहीं केंद्र सरकार की कार्रवाई से कांग्रेस नहीं डरेगी। जो न्यायालय का जो फैसला आया है वो सबके सामने है और इसमें जमानत भी ले ली गई है और आगे इसको लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आज जो राजनीति है जिसमें राजनीतिक सूचिता खत्म हो गई है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी राहुल जी को मीर जाफर तक उन्होंने कहा, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ भी हो सकती है और लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो एक दूसरे प्रति सम्मान के भाव थे, जो शुचिता थी, वो समाप्त हो गया है। पिछले दशकों में हम देखेंगे तो चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो अटल जी हों, अडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों या उसके पहले के नेताओं को भी हम देखें तो एक दूसरे के प्रति, चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात, चाहे वो राम मनोहर लोहिया की बात करें, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे वो चंद्रशेखर हों, एक दूसरे नेताओं के प्रति बड़े सम्मान के भाव भी रहता था और एक दूसरे सम्मान देते भी थे, विचारधारा अपनी अपनी थी और विचार के लिए लड़ते भी थे। इसका एक जीता जाता उदाहरण जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे और अटल जी की तबीयत खराब हुई थी और उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता था तो यहाँ के जो प्रतिनिधिमंडल सांसदों गया था उसको परमानेंट मेंबर बना के अमेरिका भेजा गया, उसका इलाज कराया गया और इस बात का खुलासा राजीव जी के देहावसान के बाद, उसकी शहादत के बाद अटल जी ने खुद किया था। तो ये एक राजनीति परस्पर जो सद्भाव था अब वो समाप्त हो गया है और उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। प्रधानमंत्री जी सोनिया जी के प्रति क्या क्या बोले, राहुल जी के बारे में क्या बोले हैं और ये संबित पात्रा जैसे लोग किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं,